आज हम आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी जो होता है ये दो शब्द से बना है, मॉर्फा प्लस लॉजी। मॉर्फा मतलब होता है आकार, ठीक है, शेप, और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के वाह आकार का या एक्सटर्नल फीचर का स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। जैसे हम प्लांट को अगर देखें तो बाहर से हमें क्या दिखाई पड़ रहा, फ्लावर दिखाई पड़ा, लीफ दिखाई पड़ा, स्टेम दिखाई पड़ा, फ्रूट दिखाई पड़ा, रूट अंदर जमीन के अंदर है, तो ये ऊपर वाला पार्ट जो शूट सिस्टम है ये दिखाई पड़ रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फीचर हुआ। तो किसी भी प्लांट के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करना ही क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। अब इसमें एक नया शब्द है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट को कई ग्रुप में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसमें थैलोफाइटा जो होते हैं सबसे प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप है, और एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सबसे एडवांस ग्रुप है। तो तब आज हम आप लोगों को सबसे पहले रूट सिस्टम से या रूट से शुरू करते हैं। यदि हम रूट को देखते हैं तो रूट को हम जानते हैं कि रूट कहां है, जमीन के अंदर है, सॉयल के नीचे है। तो सॉयल के नीचे अगर रूट है तो ऐसे रूट को हम कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक, यदि रूट को हम देखते हैं तो रूट क्या है, सॉयल के नीचे है, सॉइल के नीचे है, तो ऐसी रूट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ, जियो मतलब हो गया पृथ्वी, अर्थ, और ट्रॉपिक मतलब क्या होगा, मूवमेंट। रूट का पृथ्वी की तरफ जो मूवमेंट होता है, अर्थ की तरफ जो मूवमेंट होता है, ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और या इसको हम कह सकते हैं रूट जो होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिक नेचर का होता है, फोटो ट्रॉपिक नेचर का होता है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्यों कह रहे हैं, फोटो मतलब हो गया लाइट, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, लाइट के विपरीत मूवमेंट। तो लाइट ऊपर है, लाइट के विपरीत रूट जा रही है, जमीन के अंदर जा रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक करेक्टर हो गया। रूट का क्या करेक्टर हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। और चूंकि ग्रेविटी या पृथ्वी की तरफ आ रही है इसलिए क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि रूट जो होती है वो, इसकी ओरिजिन को देखा जाए तो इंडोजीनस होती है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है, इंडोजीनस टाइप। इंडोजीनस टाइप। अब इंडोजीनस ओरिजिन क्या होती है, अभी आगे चलकर हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसकी ओरिजिन कैसी होगी, इंडोजीनस टाइप। यदि रूट को देखा जाए तो रूट दो प्रकार की होती है, एक हो गई टैप रूट और दूसरी हो गई एडवेंटिशियस रूट। रूट कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या है, टैप रूट वो रूट होती है जिनकी ओरिजिन रेडिकल से होती है। इनकी ओरिजिन किससे होती है, रेडिकल से, ठीक है। टैप रूट वो रूट होती है जिनकी ओरिजिन किससे होती है, रेडिकल से। अब बात आती है कि रेडिकल क्या है, किस चीज की बात आ रही है कि रेडिकल क्या है। अब देखिए रेडिकल क्या होता है, यदि हम मेज का सीड देखते हैं, किसका, मेज का या मक्के का, तो हम ये शेप देखते हैं, ये एंडोस्पर्म होता है, इसको हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म, और यहीं पे ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है प्लीम्यूल, और ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है रेडिकल। प्लीम्यूल जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, प्लीम्यूल के ऊपर क्या पाई जा रही है, प्रोटेक्टिव कवरिंग।
इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं कोलियोप्टाइल। इसको कहेंगे कोलियोप्टाइल। और ये रूट के जो रेडिकल है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जा रही है, इसको कहेंगे कोलियो राइजा। ठीक, तो रेडिकल जो होता है उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? कोलियो राइजा। और प्लीम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो रेडिकल जो होता है वो रूट का निर्माण करता है और प्लीम्यूल जो होता है इससे बन जाएगा रूट और इससे बन जाएगा सूट। तो प्लीम्यूल से सूट बन गया और रेडिकल से क्या बन गया? रूट। तब आप जान गए कि रेडिकल क्या है। ठीक है, रेडिकल इम्ब्रियो का वह भाग है जो आगे चलकर रूट का निर्माण करता है और प्लीम्यूल क्या है? सूट का निर्माण करता है। क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है कि सूट जो होता है या प्लीम्यूल जो होता है उसकी प्रोटेक्टिव, सूट नहीं प्लीम्यूल कहेंगे, प्लीम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होती है? कोलियोप्टाइल। और इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में कि रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? कोलियोराइजा। ठीक, तब ये समझ में आ गया होगा रेडिकल। तो टैप रूट वह रूट होती है जिसकी ओरिजिन किससे होती है? रेडिकल से। और एडवेंटिशियस रूट जो है जिसको हम हिंदी में अपस्थानिक जड़ कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती हैं जिनकी ओरिजिन प्लांट के किसी भी पार्ट से हो रेडिकल के सिवाय, एक्सेप्ट रेडिकल। किसी भी पार्ट से अगर रूट का निर्माण हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। यदि हम टैप रूट को देखें तो टैप रूट जो होती है उससे भी कई रूट निकली रहती हैं। इस तरह कई रूट निकलती हैं, इसको क्या कहेंगे? टैप रूट, या इसी को हम कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, टैप रूट को ही क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। इसको रिमूव कर देते हैं। टैप रूट को क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। ठीक है, जो मेन जड़ है उसको कहेंगे टैप रूट या प्राइमरी रूट। उससे देखिए कई ढेर सारी सहायक लेटरल जड़ें निकलती हैं। ठीक है, तो टैप रूट से जो मेन जड़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? दूसरी जड़ जो निकल रही है उसे कहेंगे सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो दूसरी जड़ निकली उससे क्या कहेंगे? टर्शियरी रूट। तो मेन जड़ हो गई टैप रूट या प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से दूसरी जो जड़ निकल रही ओरिजिनेट हो रही उसे क्या करें? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से अदर जो ब्रांचेज हो रही है उसे क्या करें? टर्शियरी रूट। ठीक है, तो टैप रूट या प्राइमरी रूट की ओरिजिन किससे हो गई? रेडिकल से। लेकिन सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट जो किनारे निकल रही है इनको हम कहते हैं लैटरल रूट। कामनली इनको क्या कहते हैं? लैटरल रूट। और इनकी ओरिजिन जो होती है वो पेरिसाइकिल से होती है। इनकी लैटरल रूट की ओरिजिन किससे होती है? पेरिसाइकिल। ठीक, ये समझ में आ गया होगा कि लैटरल रूट की ओरिजिन किससे हुई? पेरिसाइकिल से। और टैप रूट की ओरिजिन रेडिकल से। तो क्वेश्चन पूछा आता है लैटरल रूट की ओरिजिन किससे होती है? पेरिसाइकिल से। ये आप, ये हो गया टैप रूट के बारे में। अब हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट के बारे में। तो एडवेंटिशियस वो रूट हो गए जिसकी ओरिजिन रेडिकल के अलावा किसी अन्य पार्ट से हो। एडवेंटिशियस रूट को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। फाइब्रस रूट, दूसरा फोलिएज रूट, और तीसरा जो होता है उसे हम कह सकते हैं ट्रू एडवेंटिशियस रूट। ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं कि एडवेंटिशियस जो रूट है उसे हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, तीन भागों में, फाइब्रस रूट, फोलिएज रूट और ट्रू एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? फाइब्रस रूट वो रूट होती है जो स्टेम के जस्ट नीचे से निकलती है,
जब स्टेम के कोई स्टेम है मान लीजिए, उसके जस्ट नीचे से कोई रूट निकल रही हो, ठीक है, तो ऐसे रूट को हम क्या कहेंगे, ये स्टेम है कोई, स्टेम के जस्ट नीचे जब रूट निकलती है जस्ट बीनीथ द स्टेम, तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं, फाइबरस रूट। ये जनरली देखा गया है गेहूं में, धान में, ठीक है, वहां पाई जाती है फाइबरस रूट। अगला आता है फोलिएज रूट, ठीक है, फोलिएज मतलब होता है लीफ। जब लीफ के मार्जिन से रूट निकले तो ऐसे लीफ को, ऐसे रूट को क्या कहेंगे, फोलिएज रूट। जैसे ब्रायोफिल्म की लीफ को आप देखे होंगे या पत्ती को देखे होंगे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके मार्जिन से छोट, यहां से रूट निकली रहती है, ठीक, और यहां छोटे छोटे प्लांट रहते हैं, प्लांट की ओरिजिन हो जाती है, ठीक, तो ऐसे लीफ को क्या कहेंगे, फोलिएज लीफ। जब लीफ से क्या, फोलिएज रूट, जब लीफ से रूट की ओरिजिन हो तो ऐसे रूट को क्या कहेंगे, फोलिएज रूट। ये किसमें पाया जाता है, एक प्लांट है इसे हिंदी में अजूबा कहते हैं या ब्रायोफिल्लम, आपके एनसीईआरटी में दिया है ब्रायोफिल्लम। ऐसे प्लांट में क्या, ऐसे क्या होगा, ब्रायोफिल्लम में फोलिएज रूट पाया जाता है। अगला आता है ट्रू एडवेंटिशियस रूट। ट्रू एडवेंटिशियस रूट क्या है, किसी भी प्लांट में देखें तो स्टेम में देखें तो उसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, नोड मतलब होता है गांठे, ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड, और इन दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, दो नोड के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं, इंटर नोड, ठीक है। तो नोड से जब जड़े निकले, जब नोड से जड़े निकलती हैं तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं, ट्रू एडवेंटिशियस रूट। जैसे दूब ग्रास में, ठीक है, दूब घास जो होती है उसमें कैसे जड़े निकलती है, ट्रू एडवेंटिशियस रूट। ये हो गया रूट के टाइप के बारे में। अब हम अगला जो देखते हैं उसमें देखते हैं रीजन ऑफ रूट। रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट, इसमें देख लेते हैं रीजन ऑफ रूट क्या है। ये नीचे वाला पार्ट कहलाएगा रूट कैप, ये वाला पार्ट कहलाएगा रूट कैप। इसके ऊपर वाला जो भाग है, यहां पे कुछ डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं, मेस्टमेटिक सेल्स पाई जाती है। डिवाइडिंग सेल्स क्या होती हैं, मेस्टमेटिक सेल्स होती हैं, तो इसलिए इस जोन को हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक जोन। और इसके जस्ट ऊपर वाला जो जोन होता है ये वाला, इस जोन को हम कहते हैं इलांगेशन जोन। और इलांगेशन जोन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहां पे बहुत सारे रूट हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया रूट हेयर। और इस जोन को हम कहेंगे, जहां रूट हेयर पाई जा रही, ऐसे जोन को कहते हैं मैच्यूरेशन जोन। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि रूट में कितने रीजन हो गए, चार रीजन हो गए। एक रीजन हो गया रूट कैप, दूसरा रीजन हो गया मेस्टमेटिक जोन, तीसरा रीजन हो गया इलांगेशन जोन, और चौथा रीजन हो गया मैच्यूरेशन जोन।
अब इसमें हम ये देखते हैं कि रूट कैप जो होता है वो रूट कैप पहला एक रीजन देख रहे, रूट कैप क्या होती है, ये डेड सेल होती है। ठीक है, रूट कैप क्या है, डेड सेल है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। रूट अंदर जमीन के अंदर जाती है तो इसको टूटने से बचाती है, प्रोटेक्शन का काम करती है रूट कैप। ठीक है, दूसरा रूट कैप म्यूसलेस का सिक्रीशन करती है, जिससे जो जमीन के अंदर जो मिट्टी है वो म्यूसलेस को पाकर नम हो जाती है और आसानी से पेनिट्रेट करते अंदर चली जाती है। रूट कैप में देखा गया है इसमें स्टार्च भी पाए जाते हैं। रूट कैप में क्या पाए जाएंगे, स्टार्च। कौन सा स्टार्च पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एमाइलोपेक्टिन। तो रूट कैप में स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च में कौन सा, एमाइलोपेक्टिन, जिसके कारण ये ग्रेविटी की तरफ रूट कैप या रूट जो हमारी ग्रेविटी की तरफ जाती है किस कारण जाती है, उसका मेन कारण क्या है, एमाइलोपेक्टिन है, जो पाया जाता है कहां, रूट में। तो इस तरह हम देखते हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेवी परसेप्शन के लिए, ग्रेवी परसेप्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ग्रेवी परसेप्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, एमाइलोपेक्टिन। ग्रेवी मतलब ग्रेविटी की तरफ, परसेप्शन मतलब जाना, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, एमाइलोपेक्टिन, या उसी को क्या कहेंगे, वो एक तरह का स्टार्च है। रूट कैप जो होता है, कुछ एक्वेटिक प्लांट, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट को देखें, ठीक है, तो उसमें ये अब्सेंट होते हैं। कहां अब्सेंट होंगे, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप अब्सेंट होते हैं। कुछ हाइड्रोफाइट्स में हम देखते हैं रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाए जाते हैं, रूट पॉकेट। जैसे किसमें पाया जा रहा है, पिस्टिया में, लेमना में, आइकॉर्निया में, आइकॉर्निया मतलब जलकुंभी, इन सब में क्या पाया रहा है, रूट पॉकेट। तो इस तरह हम देखते हैं कि रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं। अब हम अगला पार्ट इसमें देख रहे हैं कि जो रूट है उसमें मॉडिफिकेशन होके क्या क्या, किस तरह का रूट का मॉडिफिकेशन होता है। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कितना समझ में आ गया होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यदि रूट का मॉडिफिकेशन देखें तो ये तीन प्रकार का होता है। स्टोरेज ऑफ रूट, दूसरा कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, और तीसरा होता है वाइटल फंक्शन। ठीक, तो इस तरह अगर मॉडिफिकेशन रूट का देखें तो तीन तरह का मॉडिफिकेशन होता है। एक तो रूट भोजन स्टोर करके मॉडिफाई हो जाती है, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रूट में मॉडिफिकेशन होता है, और तीसरा मॉडिफिकेशन जो होता है वो बहुत सारे क्या कहते हैं वाइटल, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे कार्य करने के लिए उसमें चेंजेज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ रूट, इसमें भी देखते हैं किसमें मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, पहला इस पे जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम कहते हैं फ्यूजी फॉर्म। पहला मॉडिफिकेशन क्या हो गया, फ्यूजी फॉर्म। ठीक है, फ्यूजी फॉर्म का एग्जांपल है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि फ्यूज करना,
किनारे किनारे पतले इंड होंगे और बीच में मोटा इंड। देखिए बीच में मोटा है और दोनों तरफ टैपरिंग इंड है, टैपरिंग इंड मतलब पतला इंड। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, रेडिस का, मूली का। ठीक है, तो ये रेडिस जो होती है, मूली है, ये कौन सा फॉर्म है, फ्यूजी फॉर्म, भोजन स्टोर करके फूल जा रही है, तो ये हो गया फ्यूजी फॉर्म। दूसरा है नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म का एग्जांपल क्या है। ठीक, नेपी फॉर्म जो होता है उसमें देखा जाए तो अपर इंड ब्रॉडर होता है और नीचे वाला इंड टैपरिंग होता है। अपर इंड ब्रॉडर होगा, नीचे का टैपरिंग होगा। ठीक है, जैसे सलजम, या हम कह सकते हैं जैसे सुगर बीट, चुकंदर। तीसरा होता है कॉनिकल, कॉनिकल मतलब कोन शेप्ड, जैसे कैरेट, गाजर। देखिए कैरेट जो होता है, गाजर होता है कॉनिकल शेप। तो क्वेश्चन इसमें पूछा आता है, फ्यूजी फॉर्म का एग्जांपल क्या है, रेडिस। नेपी फॉर्म का हो गया सलजम हो गया, और क्या हो जाएगा इसमें, सुगर बीट हो जाएगा। कॉनिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। तो ये हो गए एग्जांपल हमारे किस चीज के, मॉडिफिकेशन टैप रूट के। इसमें एक और है, कह सकते हैं ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट क्या होती है, ये वो क्या कहते हैं, भोजन स्टोर करके इसकी साइज जो है वो बेडॉल टाइप हो जाती है, इसे कहते हैं ट्यूबरस रूट। इसका एग्जांपल हो गया मिराबेले जलापा, या इसी को क्या कहते हैं, फोर ओ क्लाक। ठीक है, इसमें क्या होता है, रूट जो होगी मिराबेले, इसमें भोजन स्टोर करके वो एक जैसे इसमें का सेफ उस तरह नहीं, बेडॉल टाइप हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, इसमें दो तरह का मॉडिफिकेशन है। एक इसमें होता है ट्यूबरस रूट का, ट्यूबरस टाइप रूट होगी, और दूसरा क्या होता है, फैसिकुलेटेड। यहां पे दो टाइप की रूट है, एक ट्यूबरस है, दूसरा फैसिकुलेटेड है। ट्यूबरस रूट क्या हुई, ट्यूबरस रूट वो रूट होती है जो सिंगल होगी और भोजन को स्टोर करके स्वेल कर जाएगी, जैसे इसका एग्जांपल हो गया आइपोमिया वटाटा। आइपोमिया बटाटा, या इसी को हम कहते हैं शकरकंद या स्वीट पी, सॉरी स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ट्यूबरस रूट का एग्जांपल क्या हो गया, आइपोमिया बटाटा या स्वीट पोटैटो, शकरकंद। और दूसरा होता है फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट क्या है, जब ट्यूबरस रूट एक साथ कई संख्या में पाया जाए, ग्रुप में पाया जाए, गुच्छे में पाया जाए, तो ऐसी रूट को क्या कहेंगे, फैसिकुलेटेड रूट। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, एस्परेगस। एस्परेगस, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सतावर। ठीक है, देखा गया एस्परेगस से सतावर जो होता है, ये महिलाओं को दिया जाए, जब उस क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो मिल्क के यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, एस्परेगस की रूट दी जाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं, अगर रूट देखा जाए तो इस तरह ग्रुप में, गुच्छे में पाई जाती है रूट। ठीक है ना, तो अगर ट्यूबरस रूट ग्रुप में है उसे क्या कहेंगे, फैसिकुलेटेड रूट। अब दूसरा हम आते हैं मैकेनिकल सपोर्ट पे।
मैकेनिकल सपोर्ट मतलब सहारा देना। तो इसमें पहला जो रूट है वो है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होती है? ऐसी रूट जो उस पेड़ की शाखाओं को सहारा दे, जैसे आप बनियान ट्रीज सुने हो, देखे होंगे, बनियान ट्री में देखे होंगे बहुत सारी शाखाएं आती हैं जो जमीन से लग जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए बनियान ट्री में बहुत सारी शाखाएं हैं जो जमीन से आके लग रही हैं। तो ये जो रूट है ये क्या करती है, जमीन से आके अटैच होती है, हार्ड हो जाती है, शाखाओं को सपोर्ट प्रदान करती है। तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। किसमें पाया गया? बरगद में, बनियान ट्री में। दूसरा है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती है? ये भी सहारा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। आप देखे होंगे जैसे सुगर के गन्ने को देखे होंगे, मक्के को देखे होंगे, मेज के, तो उसमें जड़ें इस तरह रहती हैं। वो क्या करें? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ऐसे रूट को क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट। तो किसका इसका एग्जाम्पल हो गया? मेज का, शुगर केन का, ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया? स्टिल्ट रूट का। तीसरा आता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट क्या होती है? कुछ रूट ऐसी होती हैं जो प्लांट को चढ़ने में मदद करती हैं। ऐसी रूट को क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग रूट, ठीक है। जैसे पान का पेड़ अगर देखिए, जो पान का पेड़ होता है पान का जो पेड़ होता है उसमें जो जड़ें होती है वो प्लांट को चढ़ने में मदद करती है। तो ऐसी रूट को क्या कहेंगे? क्लाइंबिंग रूट। अब अगला आते हैं वाइटल फंक्शन में। वाइटल फंक्शन को देखिए क्या होता है, ठीक है। वाइटल फंक्शन के आधार पे जो रूट होती हैं वो भी कई प्रकार की हैं। पहला इसमें जो रूट है उसे हम कहेंगे रिस्पायरेटरी रूट। रिस्पायरेटरी रूट, ठीक है। रिस्पायरेटरी रूट क्या होती है? जो रिस्पायरेशन में मदद करे। ऐसी रूट कहां पाई जाती है? रिस्पायरेटरी रूट ये दलदली स्थानों में या मार्सी प्लेसेस पे या स्वैम्पी प्लेसेस में जो प्लांट उगते हैं वहां पाई जाती है। कैसे स्थानों पे? मार्सी या स्वैम्पी प्लेसेस में जो प्लांट उगते हैं, दलदल में जो प्लांट उग रहा है, मार्सी प्लेस, स्वैम्पी प्लेस, वहां कौन सी पाई जाएंगी रूट? रिस्पायरेटरी रूट। इसका नाम मार्सी क्यों पड़ा है? दलदल का नाम मार्सी क्यों पड़ा? क्योंकि उससे मार्स गैस निकलती है। मार्स गैस को हम मिथेन गैस कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? मार्सी, ठीक। तो रिस्पायरेटरी रूट किस पे पाई जाएगी? मार्सी या स्वैम्पी प्लेस पे जो प्लांट पाए जाते हैं। इसमें जो प्लांट पाया है जिसमें रिस्पायरेटरी रूट पाई जा रही है उसमें मुख्य रूप से है राइजोफोरा। अगला प्लांट है एविसिनिया। अगला प्लांट है सोनेरेतिया। ठीक है, ये सब प्लांट जो है वो क्या है? इन सब प्लांट में रिस्पायरेटरी रूट पाई जाती है, ठीक है। अब इसको हम देख ले, मान लीजिए प्लांट है ये दलदल में उग रहा, तो ये जड़ें ऐसी बाहर निकल आती हैं। इसकी जड़ें क्या होती हैं? बाहर निकल आती हैं। और जो बाहर निकलेंगी वहां छिद्र पाए जाते हैं इस तरह, ठीक है। और इनको हम कहते हैं, एक विशेष टर्म दिया जाता है, उस टर्म को कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, ठीक। ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है? चाहे रिस्पायरेटरी रूट कहिए चाहे इसको क्या कहिए, न्यूमेटोफोर। क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेटोफोर किस पे पाया जाता है? राइजोफोरा में, ठीक है। न्यूमेटोफोर का काम क्या है? इसका काम क्या है? रिस्पायरेशन में, दलदल में पाया जाए, रिस्पायरेशन में। और जो भी प्लांट दलदल में उगते हैं
वो एक करेक्टर उनका होता है, वो शो करते हैं बीवी पैरी। क्या करेक्टर शो करते हैं? बीवी पैरी। बीवी पैरी क्या है? बीवी पैरी मतलब होता है बच्चे देने वाला, जन्म देने वाला। ठीक है, इस सब में क्या होता है कि अगर प्लांट है, इसमें इसकी ब्रांच है, तो यहां जो फल लगेंगे, फल का सीड जर्मिनेट कर जाएगा और यहां शूट निकल आएगा और इधर क्या बन जाएगा? रूट। ठीक है, इसमें फल लगा हुआ, फल में सीड से क्या हो जाएगा? रूट, और इधर शूट। जब ये बन जाएगा शूट और रूट, तब ये फल नीचे गिरेगा, जिससे दलदल में धंसता नहीं है। तो इस तरह फल में ही छोटे प्लांट का जर्मिनेट होके बनना ही क्या कहलाएगा? बीवी पैरी। तो पूछा जाता है बीवी पैरी करेक्टर किस पे पाया रहा है? जो प्लांट दलदल में पाया है, राइजोफोरा, एबिसिनिया या सोलेनिथिया। और ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर। ठीक है, तो एक फल, एक रूट हो गई रिस्पायरेटरी रूट। अब हम दूसरी रूट को देखते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेटोफोरा या रिस्पायरेटरी रूट, या जो नाम प्लांट का बताया है राइजोफोरा, सोलेनिथिया, एबिसिनिया, बहुत पूछे आते हैं कंपटीशन में, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है सकिंग रूट या हास्टोरियन रूट। सक करना, सक करना मतलब दूसरे प्लांट से भोजन लेना। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट पे उगते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं, तो उसमें भोजन को लेने के लिए कैसी रूट पाई जाती है? सकिंग रूट। इसका एग्जांपल है कस्कुटा, अमरबेल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये दूसरे प्लांट पे उगता है, उससे भोजन लेगा। तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? ऐसे रूट को क्या कहेंगे? सकिंग रूट। तीसरा देखिए, हाइग्रास्कोपिक रूट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पे उगते हैं, जैसे कुछ आर्किड हैं, और अपनी कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे आर्किड, वांडा हो गया एग्जांपल। इसका क्या हो गया? वांडा आर्किड है, ये दूसरे प्लांट पे उगा और अपनी जड़ों को एटमॉस्फेयर पे ये लटकाए रहते हैं, और उससे एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसी रूट को क्या कहते हैं? हाइग्रास्कोपिक रूट। हाइग्रास्कोपिक रूट जो होती हैं, उसमें एक स्पेसिफिक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू को कहते हैं वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू की सहायता से ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि वेलामेन टिश्यू किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? हाइग्रास्कोपिक रूट में। क्या काम है? मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करना। अगला रूट है नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट क्या होती है? कुछ जड़ें होती हैं जो भोजन, कुछ जड़ें होती है उसमें गांठें पाई जाती हैं। कुछ जड़ें क्या है? उसमें गांठें पाई जाती हैं। गांठें जो पाई जाती है इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं। तो लेगुमिनस प्लांट में कैसी रूट पाई जाती है? नोड्यूलेटेड रूट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं। तो इस तरह हम आज मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में रूट के बारे में डिटेल से पढ़े। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेम के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।